आज ना हम इसका थोड़ा सा बैकएंड शुरू करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास काफी डिजाइन पेजेस रिमेनिंग हैं जो हमने अभी बनाने हैं। लेकिन वो जो है ना, हम आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ जाएंगे। पहले हम अपना ये वाला काम, एक पेज जो बनाया इसका बैकएंड कर लें, तो वो हम देखेंगे फिर जितने मॉड्यूल्स मजीद हम बना सकेंगे, फ्रेंड्स बनाने का, चैट करने का मॉड्यूल, वो आहिस्ता आहिस्ता सारे उनको डिजाइन बनाते जाएंगे और उनके इंटरफेस पे हम बाद में बैकएंड करते जाएंगे। अब जो हमारा पहला काम, पहले तो मैं इसको चला लेता हूँ और होम पे चले जाते हैं। लास्ट टाइम कुछ हमने ये बनाया था, तो आज हमारा जो सबसे मेन काम होगा वो ये होगा कि डेटाबेस में एक जो पोस्ट है इसका एक टेबल बनाएं, और उसके अंदर कुछ कुछ उसके कुछ कॉलम्स होंगे। लाइक पोस्ट की डिस्क्रिप्शन आ सकती है, पोस्ट की इमेज आ सकती है, पोस्ट की वीडियो आ सकती है, और इसी तरह पोस्ट किसने पोस्ट की है वो आएगी। तो इस तरह कुछ चीजें आएंगी। उसके बाद ये लाइक कमेंट वाला जो सीन है, शेयर को तो भी छोड़ देते हैं, लाइक कमेंट वाला जो सीन है इसके ऊपर भी हम आएंगे, लेकिन इसके ऊपर हम बाद में आएंगे, ये एक बिल्कुल एक अलग मॉड्यूल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी अपने डेटाबेस के अंदर जो हमने बनाया है यहाँ पर, आई थिंक सोशल साइट के नाम से। अब पहला हम यहाँ पे टेबल, मतलब पहले तो कुछ टेबल बने हुए जो हमारे ऑथेंटिकेशन सिस्टम के साथ आए थे। अब मैं यहाँ पर करूंगा ये कि एक नया टेबल बनाना है मैंने, जिसका मैं नाम रख देता हूँ पोस्ट। इसको मैं गो करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट की आईडी जो कि ऑटो इंक्रीमेंट होगी, उसके बाद पोस्ट डिस्क्रिप्शन, अगर तो हमें कोई डिस्क्रिप्शन देनी है हम वो यहाँ पे दे सकते हैं, और इसको मैं टेक्स्ट फॉर्म में दूंगा क्योंकि वारचार में लिमिट का मसला आ सकता है, कोई बड़ी बड़ी पोस्ट भी लगा सकता है, तो हम इसको टेक्स्ट में दे देते हैं, और टेक्स्ट में हमें लेंथ वैल्यू देने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह हमारे पास एक पोस्ट की कोई इमेज भी दे सकता है, और इसको हम वारचार दे देते हैं 500, और इसी तरह हमारे पास पोस्ट की कोई वीडियो दे सकता है, इसको भी वारचार दे देते हैं और 500 दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम इन सब को यहाँ से नल 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 चेक कर देते हैं कि अगर कोई पोस्ट की डिस्क्रिप्शन नहीं देता तो उसको कोई मसला ना हो। अगर हम इसको नल बाय डिफॉल्ट नल नहीं कहते तो वो ये कह देता है कि यार ये पोस्ट डिस्क्रिप्शन आप खाली भेज रहे हो। हालांकि फेसबुक पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर हम खाली तस्वीर लगाना चाहें, कुछ भी ना लिखना चाहें, कैप्शन ना लिखना चाहें, तो फिर भी तस्वीर लग जाती है। तो इसी तरह हम इधर भी चाहते हैं कि अगर हम सिर्फ तस्वीर लगाना चाहते हैं, सिर्फ वीडियो लगाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन नहीं देना चाहते, तो वो लग जाए। तो यहाँ पे हम इसको बाय डिफॉल्ट नल 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 कर देंगे, और अब हम यहाँ पर हमें एक और कॉलम चाहिए, और उसका नाम है जी यूजर आईडी, यानी कि पोस्ट किसने पोस्ट की है, जो बंदा लॉगिन है जिसने पोस्ट की है उसकी यहाँ पे हम आईडी लेंगे, और ये नल नहीं होगी, और आईडी जो है वो उसकी बाद में हम यूजर्स के टेबल से मैच करवा के उसका नाम और उसकी तस्वीर वगैरह हम पकड़ सकते हैं। अब हम इसको कर लेते हैं सेव। अब हमारा ये बन गया हुआ है। अब हम इसमें कुछ डाटा एंटर कर देते हैं और इंसर्ट पे जाते हैं, डीबी पोस्ट वन, और पोस्ट इमेज हम लगा देते हैं, मैं इसी का ही कॉपी इमेज एड्रेस करके इधर लगा देता हूँ। और यहाँ पर हम करते हैं पोस्ट वीडियो, पोस्ट वीडियो खाली छोड़ देते हैं, और यूजर आईडी हम यहाँ से एक यूजर की आईडी उठा लेते हैं, फिलहाल कोई भी यूजर नहीं हमने बनाया हुआ, तो चलो इधर बाय डिफॉल्ट हम वन ही अभी कर देते हैं, और इसी तरह एक और पोस्ट बना लेते हैं डीबी पोस्ट टू। इसको इमेज नहीं देते, इसको कुछ भी नहीं देते, सिर्फ आईडी देते हैं और डिस्क्रिप्शन देते हैं, और इसको हम वन दे देते हैं और इसको हम गो कर देते हैं। अब हम इसको एक बार रिलोड करेंगे, तो
यहाँ पर तो फिलहाल हमारे पास कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि अभी हमने इस पे बैकएंड तो किया ही नहीं है, अभी तो सिर्फ हमने डेटाबेस बनाया है। अब हम बनाते हैं जी इसका बैकएंड। तो बैकएंड करने के लिए जाहिर ही बात है कि हमें चाहिए एक अदद कंट्रोलर पोस्ट के लिए, तो हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे PHP artisan make कंट्रोलर का नाम लिखेंगे जी पोस्ट कंट्रोलर। तो ऐप में जाएंगे, HTTP में जाएंगे, कंट्रोलर में जाएंगे, पोस्ट कंट्रोलर हमारे पास यहाँ पे बन गया है। अगर मैं इसको फंक्शन इंडेक्स ये दूँ और यहाँ पर वेरिएबल दूँ पोस्ट, और यहाँ पे हम कीड़े लिखें DB टेबल पोस्ट गेट। आगे हम रिटर्न करवा देते हैं। अब जो हमने राउट में उसको फोल्डर वगैरह दिया था वो हम यहाँ देंगे। फिलहाल मैं इनको जरा बंद कर दूँ। जो हमने राउट की फाइल है इधर, तो अच्छा अभी पोस्ट कंट्रोलर है, लेकिन हमने पोस्ट शो करवानी है होम पेज पर। अच्छा तो उसके लिए हमें काम करते हैं कि कंट्रोलर पोस्ट का नहीं बल्कि एक कंट्रोलर होम का भी बना लेते हैं। PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर होम कंट्रोलर, ये बन गया। तो ये वाला फंक्शन हम इधर चलाएंगे रिटर्न। फिलहाल मैं बस ऐसे कर रहा हूँ, इसको भी भूल जाओ, इधर हम करते हैं। और रिटर्न में हमने करना ये है कि होम पेज कंपैक्ट में हम ये वेरिएबल फेंक देंगे, और हम इधर से इसको करते ये हैं कि जैसे लारावेल 8 का था, हमारे दूसरे पुराने प्रोजेक्ट में हमने किया था। यहाँ पर कुछ कोड में उठा लेता हूँ, और ये जो होम है ये हो जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा होम कंट्रोलर, और इसका नाम हो जाएगा इंडेक्स, और ये होम कंट्रोलर के इंडेक्स फंक्शन में पोस्ट के टेबल से पोस्ट पकड़ के यहाँ से उसको होम पेज के पेज को ये करवा देगा। अब हम जरा बगैर क्यूरी को एग्जीक्यूट किए, सिर्फ मैं करना ये चाह रहा हूँ कि मैं देख लूँ कि पेज चल रहा है कि नहीं। अच्छा जी, हमने गलती क्या की कि यहाँ पे यूज DB नहीं लिखा था। इसको अब हम दोबारा रिलोड करते हैं। अब हम इसके ऊपर जो है क्यूरी चलाएंगे। अभी तो स्टैटिकली हमने शो किया हुआ है, अब हम क्यूरी चलाते हैं, होम पेज पे जाते हैं। अब होम पेज के अंदर हमने इंक्लूड करवाया हुआ पोस्ट का सेक्शन, तो पोस्ट के सेक्शन पे जाते हैं। अब यहाँ पे हमने काफी सारी वो स्टैटिकली क्यूरियां चलाई हुई हैं, तो हम उन सबको यहाँ से उड़ाते हैं फिलहाल। और इसके ऊपर अब हम क्यूरी चलाएंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर ईच, और क्यूरी है जी हमारी पोस्ट का वेरिएबल है एज पोस्ट, और ये हमारा इधर स्टिव इस कार्ड के बाद हम इसको बंद कर देंगे। अभी मैं इसको रिलोड करता हूँ, कोई 2 बार आना चाहिए, 1 और 2, बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम इसमें डायनेमिकली डाटा लाएंगे, तो डायनेमिकली डाटा ऐसे आएगा कि यहाँ पर जो है दिस इज अ पोस्ट, ये हमारी डिस्क्रिप्शन है,
तो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन को एको करवा देंगे, कुछ लारावेल में हम इस तरह करवाते हैं, पोस्ट डिस्क्रिप्शन, इसी तरह जो इमेज आ रही है इसमें हम, अगर मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ, ये चाहे सिंपल पीएचपी कर रहे हो चाहे वैसे आप कर रहे हो, तो एक चीज आपने बड़े फोकस रखनी है। अब मैं ना डायरेक्ट करूंगा ये मुझे इसका कॉलम का नाम देती, पोस्ट इमेज, मैं ना डायरेक्ट यहाँ पर पोस्ट इमेज जो है ना इसको मैंने दे दिया है। हाँ, यहाँ पर इमेज सोर्स, अब ये इमेज आ जाएगी, लेकिन एक पोस्ट को मैंने इमेज दिया उसकी तो आ जाएगी, जिसको नहीं दी ना वहां पे उसको खाली शो करवा देगा, कुछ इस तरह से एरर शो करवा देगा। ये नहीं, जी कभी भी ये काम नहीं करना, इसको पूरी वैलिडेशन के साथ काम करना होता है हमने। तो हम यहाँ पे करेंगे ये कि इसके ऊपर क्यूरी लगाएंगे, इफ जो हमारी पोस्ट इमेज है इज नॉट इक्वल टू ये एंड बस। अब यहां पे वो दिखाएगा ही नहीं हमें पोस्ट, ठीक हो गया। ठीक। अच्छा जी, हमने इसी तरह वीडियो का भी ऑप्शन रखा है, तो वीडियो भी हम नीचे जो है वीडियो का टैग भी लगा देते हैं। तो वीडियो का टैग भी कुछ इस तरह का होता है कि वीडियो, वीडियो का सोर्स होता है, और यहाँ पे वीडियो का टैग हम बंद कर सकते हैं, और पोस्ट वीडियो हम यहाँ पे दे देते हैं। और हाँ, अभी यहाँ पर किसी को भी वीडियो नहीं दी हुई तो वो आएगी ही नहीं। अच्छा, मैंने ये गलत कर दिया ये। वीडियो वैसे वैसे ही चलेगी जैसे चलती है फेसबुक। हाँ, मैं ये भी आपको चलाकर दिखाता हूँ। इसमें ये है कि फिलहाल वीडियो प्लेयर जो है वो HTML5 का अपना प्लेयर है। अगर हम उसको ज्यादा फैंसी करना चाहें तो काफी प्लगइन्स मौजूद होते हैं वो उस पे, हमारे पास अगर आखिर में टाइम बचा तो थोड़ी रिसर्च करेंगे उसमें, आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि किस टाइप के प्लगइन्स मौजूद होते हैं जावास्क्रिप्ट के वीडियो प्लेयर के। लेकिन अभी हम यहाँ से कोई वीडियो उठाते हैं, जिस तरह यहाँ पर ये उठाते हैं, इसकी वीडियो का मैं लिंक कॉपी करता हूँ। शायद, मुझे पक्का नहीं पता कि ये यूट्यूब की वीडियो चलाता है या नहीं, लेकिन इसको हम ट्राई करते हैं। मैं इसको दे देता हूँ, इधर जाके रिलोड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है वीडियो, आई थिंक मैंने इसके टैग में थोड़ी सी गलती की है, एक मिनट, वीडियो टैग HTML5, और अगर मैं इधर वीडियो जो है ये यूट्यूब, नहीं ये यूट्यूब का लिंक दूं तो क्या ये चलती है? नहीं, नहीं, YouTube की पकड़ता नहीं है हमारा HTML5 प्लेयर। खैर, हम एक काम करते हैं कि इसने टेस्टिंग के लिए एक वीडियो रखी हुई है, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, को हम ना डाउनलोड कर लेते हैं अपने, जहाँ पे प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है HT Docs के अंदर जाके, सोशल साइट पब्लिक में जाकर एक नया फोल्डर बना लेते हैं पब्लिक के अंदर, जिसका नाम होगा मीडिया। इसके अंदर हम एक फोल्डर बनाते हैं इमेजेस, और इसी के अंदर हम एक फोल्डर बनाते हैं वीडियोस, और इसके अंदर ये वीडियो हम फेंक देते हैं। ये वीडियो का नाम है जी ये,
इस वीडियो को हम यहाँ पर फेंकते हैं। तो पब्लिक फोल्डर के अंदर हमने बनाया मीडिया, मीडिया के अंदर हमने बनाया वीडियो, फिर इसके अंदर ये वीडियो डॉट MP4। ये आ गई है हमारे पास। मेरी हाइट वगैरह इमेज इतनी सेट करती है। और एक एक और चीज यहाँ पर जो हमने करनी होती है, इधर लिखना होता है कंट्रोल्स, ताकि वो जो आते हैं ना प्ले का बटन, पॉज का बटन, वो आ जाए इसके ऊपर। तो जी अब ये देखें, इसके ऊपर प्ले का बटन आ रहा है, इसको प्ले करूंगा तो ये वीडियो चल पड़ी है। ठीक है ना, ठीक इसमें कोई कोई क्वेश्चन तो नहीं आपका? नहीं ठीक तो ठीक है, चले। अब हमें वीडियो को, हाँ कोई जी, और भी अपलोड करनी पड़ेगी। हाँ, वो हम पूरा सेटअप बनाएंगे ना, इधर से किसी ने पोस्ट करने का पूरा निजाम बनाएंगे कि इमेज और जी पोस्ट को अपलोड कर सकता हो वो। तो अब हम अगला स्टेप जो है उसकी तरफ चलते हैं, वो ये कि हमने फेच करवा लिया है, लेकिन अब हम इंसर्ट डाटा एंट्री करवाएंगे यहाँ से। अब डाटा एंट्री करवाने के लिए हमें जाहिर बात है कि कुछ चीजों पर काम करना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक काम करना चाहता हूँ, वो ये कि इधर मैं इसके साथ एक इमेज अपलोड और वीडियो अपलोड का ऑप्शन देना चाहता हूँ, ताकि अगर कोई इमेज या वीडियो अपलोड करना चाहे तो उसको ऑप्शन मिल जाए। तो हमारा होम पेज के ऊपर जो ये सेक्शन है ना, इसको भी हम यहाँ से उठा लेते हैं और कल की तरह कंपोनेंट बनाते हैं। इंक्लूड्स के अंदर न्यू फाइल हम क्रिएट करते हैं और पॉस सबमिट फॉर्म डॉट प्ले डॉट PHP इसके अंदर मैंने फेंक दिया, और यहाँ पर हम इंक्लूड करवा देंगे। पॉस सबमिट फॉर्म। अब हमने करना ये है कि एक बार मेरा रिलोड करके देख लूं कि इसको कोई मसला तो, कोई मौत मूत तो नहीं पड़ी? नहीं, बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब हम यहाँ पे करते ये हैं कि इधर इनपुट टाइप फाइल क्लास फॉर्म कंट्रोल और अपलोड इमेज, और या फिर अपलोड वीडियो, और यहाँ पे हम एक फिलहाल के लिए ब्रेक का टैग लगाते हैं। यहाँ पे हम डेव क्लास रो रो बंद। आखिर में ना, जब हम ये प्रोजेक्ट एक बार कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम कुछ शशके लगाएंगे। शशकों में हम डिफरेंट किस्म की JQuery का इस्तेमाल करेंगे और इसको मजीद फैंसी बनाएंगे। वो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेन चीजें आपको बता रहा हूँ। वो शशके जो है वो हम आखिर में लगाएंगे। तो जी अब मैं यहाँ पर डेव क्लास कॉल, सिंपली कॉल लिख देते हैं, और पहला कॉल यहाँ पे बंद कर देते हैं। अगर मैं इसको डिफाइन नहीं करूंगा ना कि कितना कॉल कॉल MD6 कॉल MD5 कॉल MD4, कुछ भी नहीं करूंगा, तो ये बाय डिफॉल्ट जो इसको मैनेज लगता होगा ये कर देगा। पर अगर हमें वो सूट नहीं किया तो फिर हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ से रिलोड करता हूँ, तो अब ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ गया है। इसको हम मार्जिन टॉप 2 दे देते हैं। अब किसी ने भी इमेज अपलोड करनी है तो वो यहाँ से करेगा, किसी ने भी वीडियो अपलोड करनी है तो वो यहाँ से करेगा। अच्छा, अब ना कुछ कुछ जगहों पे ना एक चीज होती है जो HTML5 हमें देता है ऑप्शन, कि अगर मैंने इमेज अपलोड करने वाले बटन पे क्लिक किया है ना, तो यहाँ पर बाकी कुछ और सिलेक्ट करने का ऑप्शन ना हो। जिसमें अभी तो मुझे जिप सिलेक्ट करने का ऑप्शन भी दे रहा है, इमेज का तो है ही, और फाइलें भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है। ये सिर्फ मुझे इमेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे, और जब मैं वीडियो करूँ तो सिर्फ और सिर्फ वीडियो सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे, जिसमें ये दो वीडियोज है।
बाकी कुछ ना सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे, तो उसका देखिए क्या होता है। कुछ HTML5 के वो होता है कि input type file allowed only images, अगर हम allowed only images पे करते हैं तो वो हमारे पास ये होता सारा वही है जो input type file name फला फला फला, आगे जो accept का एक attribute होता है यहाँ पे हम उसको बता देते हैं कि सिर्फ ये extension जो है आप पकड़ना। तो अभी ये image है तो यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ कि या तो PNG की इमेज हो या GIF की इमेज हो या JPEG की इमेज हो, सिर्फ ये आपने एक्सेप्ट करनी है। इसी तरह ही हम इधर अगर आए तो इधर वैसे तो काफी सारे ऑप्शन होते हैं, फिलहाल के लिए मैं वीडियो में जाके इसको कहता हूँ MPEG फॉर, मेरे ख्याल में ये कहते हैं MP4 को, चलो मैं अभी MP4 कहता हूँ, इसको बाद में देखते हैं। हम यहाँ से इसको रिलोड करते हैं। अब मैं इमेज अपलोड का ऑप्शन करूंगा ना तो ये सिर्फ मुझे इमेजेस दिखा रहा है, बाकी चीजें नहीं दिखा रहा। अगर मैं यहाँ से नीचे जाऊं और यहाँ पे ऑल फाइल्स कर दूं तो मुझे बाकी चीजें भी दिखा रहा है, तो लेकिन हम बाय डिफॉल्ट अभी सिर्फ मुझे इमेजेस दिखाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर वीडियो का हम देखें तो अब सिर्फ वीडियोस दिखा रहा है, इमेजेस नहीं दिखा रहा, सिर्फ MP4 या जो जो एक्सटेंशन आपने अलाउड की होंगी ना ये वो दिखाएगा। अच्छा जी, अब हमारा अगला काम ये है कि ये जो सबमिट का बटन हमने बनाया हुआ है इसको हम ले चलते हैं नीचे, मार्जिन बॉटम भी 2 कर देते हैं और इसको रिलोड करते हैं। इस सबमिट के बटन, ये सारे शशके हम दोबारा लगाएंगे एक बार जो है हमारा फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो जाए। अब कोई भी यहाँ पे कुछ लिखे, कोई इमेज सेलेक्ट करे, वीडियो सेलेक्ट करे और वो पोस्ट पे क्लिक कर दे तो हमारे सारे एक्शन परफॉर्म होने चाहिए। अगर टेक्स्ट उसने लिखा है तो जाए, नहीं लिखा तो ना जाए, कुछ नहीं होता, खाली चला जाए क्योंकि नल तो बाय डिफॉल्ट हम भेज ही रहे हैं। तो लेकिन इन फ्यूचर जाके हम एक वैलिडेशन लगाएंगे, अभी नहीं लेकिन फ्यूचर में जाके वो वैलिडेशन हम ये लगाएंगे कि अगर उसने टेक्स्ट भी कुछ नहीं दिया, उसने इमेज भी कुछ नहीं दी, उसने वीडियो भी कुछ नहीं दी तो फिर पोस्ट करना ही नहीं है। अगर वो सारा कुछ ही खाली और सबमिट पे क्लिक कर दे तो हम कुछ नहीं परफॉर्म करवाएंगे उससे, ठीक है। तो खाली पोस्ट हो ना दिखानी है हमने। अब हमारा जो अगला काम है ना वो आ जाता है कि इसको हमने सबमिट करवाना है। फिलहाल मैं एजेक्स के बगैर करूंगा और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल या परसों, उसको एजेक्स के साथ करेंगे। तो अभी हम एजेक्स के बगैर इसको करते हैं सबमिट। और एजेक्स के बगैर सबमिट करने के लिए तो आपको पता है कि हमें सिंपली करना क्या होता है, यहाँ पे फॉर्म का टैग ओपन करना होता है और उसको हमने मेथड देना होता है, मेथड पोस्ट और एक्शन हमने उसको देना होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबमिट पोस्ट और यहाँ पर हमने फॉर्म का टैग बंद कर देना है, एक हमने CSRF का टोकन यहाँ पे जनरेट करवा देना है और इसको टाइप को बटन को हमने कह देना है सबमिट। और अब हम चलते हैं पोस्ट के कंट्रोलर में जाने से पहले हम यहाँ पे राउट देते हैं जी। वो नीचे ना कोई आया, वो घर वाले पता नहीं, उसके घर में गए, मैं देख के आया, आप पढ़ाए मैं देख लूंगा, वीडियो चलो 5 मिनट में आया, ठीक मैं नीचे सिर्फ देख के आया, ठीक। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने करना ये है कि पहले तो मैं इसको राउट दे देता हूँ। राउट हमने यहाँ पे क्या दिया है, सबमिट पोस्ट, तो इससे मैं राउट दे देता हूँ। ये वाला कंट्रोलर हम इसका पोस्ट कंट्रोलर इस्तेमाल करेंगे, जो पोस्ट कंट्रोलर हमने यूज किया है, और फंक्शन हम इसका सबमिट या फंक्शन हम इसका इंसर्ट यूज करेंगे।
है। अच्छा, अब पोस्ट कंट्रोलर में हम जाते हैं और यहाँ पे जाके फंक्शन इंसर्ट बनाते हैं। इंसर्ट जो है ना, थोड़ा सा दूरा दूरा लगा है इसको, हम इंसर्ट पोस्ट कर देते हैं और राउट में भी इसको इंसर्ट पोस्ट कर देते हैं। और फंक्शन में हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम फंक्शन में हमें रिक्वेस्ट में वेरिएबल चाहिए। पहले हम यहाँ पे यूज डीबी कर देते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास वेरिएबल आएंगे वो रिक्वेस्ट की मदद से, रिक्वेस्ट पहला हम वेरिएबल यहाँ पे बना लेते हैं, पोस्ट डिस्क्रिप्शन का इज इक्वल टू रिक्वेस्ट इनपुट। अब यहाँ पे हमने इसका नेम देना है, पहले तो डिस्क्रिप्शन का नेम देंगे, तो नेम पोस्ट टेक्स्ट ही दे देते हैं। इसका नेम हमने देना है पोस्ट इमेज, इसका नेम हमने देना है, हाँ दिया जी, इसका नेम हमने देना है पोस्ट वीडियो। और यहाँ पर सर, हाँ जी, कोई इंपॉर्टेंट चीज तो मिस कर दी, आपकी आवाज कट रही, क्या कह रहे हो? कोई इंपॉर्टेंट चीज तो नहीं रह गई मेरी। नहीं, इम्पोर्टेंट चीज आपकी आपकी इम्पोर्टेंट चीज जब आपका फाइनल एग्जाम लूंगा ना, तब निकलेंगी इम्पोर्टेंट चीजें। अच्छा जी, तो पोस्ट डिस्क्रिप्शन जो है, अब हम यहाँ पर इंसर्ट पोस्ट का फंक्शन बना लिया है और यहाँ पे हमने नेम दे दिए अपने इसको, तो इसका नेम है डिस्क्रिप्शन का पोस्ट टेक्स्ट। और इसी तरह अगले वेरिएबल इनिशियलाइज और डिक्लेयर करवा लेते हैं, वो है जी पोस्ट इमेज। एक मिनट है ना, मैं एक क्लाइंट का थोड़ा सा काम करता हूँ। क्या था नाम? अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे पोस्ट इमेज ले लिया है और पोस्ट वीडियो। वैसे ये पोस्ट इमेज और पोस्ट वीडियो तो हम दूसरे तरीके से लेंगे, इनको हम फिलहाल के लिए सबमिट नहीं करवाते, बल्कि हम अभी सिर्फ पोस्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे सबमिट करवाते हैं। और अब हम बल्कि ना यहाँ पे जो हमने लास्ट अपना कोड किया था उधर जाते हैं और यहाँ पर कंट्रोलर्स में जाते हैं, और प्रोडक्ट के कंट्रोलर में हमने इमेज भी स्टोर करवाई हुई है, तो इमेज के ही स्टोर के कोड से हमें वीडियो का स्टोर कोड मिल जाएगा। तो रिक्वेस्ट में अगर हमारे पास पोस्ट इमेज आ रही है, कहाँ गया, रिक्वेस्ट में अगर हमारे पास पोस्ट इमेज आ रही है तो पोस्ट इमेज स्टोर करवा दो। फोल्डर का नाम अब हमारा है हेलो PHP आर्टिसन लिंक। ओ यस, अच्छा, अब यहाँ पर फोल्डर का हमारा नाम बनेगा, पता नहीं क्या बनेगा, नाम देख लेते हैं। वैसे बनना तो चाहिए मीडिया
मीडिया मीडिया के अंदर हमारा जो फोल्डर बनेगा इमेजेस। और यहाँ पर ये अच्छा जी, अब यहाँ पे ये इमेज अपलोड करवाने का कोड मैंने पहले करवाया हुआ है आपको, ठीक है? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नहीं नहीं इसमें नहीं। और यहाँ पे हम ये वेरिएबल डाल देते हैं। अच्छा, इसमें ना हम एक और काम जो मैं सोच रहा हूँ, वो ये सोच रहा हूँ कि कुछ इस तरह अगर करवाएं कि जो फोल्डर का नाम है वो साथ में ही भेजें, ताकि हमें बार बार चेंज ना करना पड़े फ्रंट एंड पे कोडिंग में जाके, जो डेटाबेस से डायरेक्टली आ रही है डायरेक्ट वही पोस्ट हो जाए। तो देखते हैं कि ये हमारा जो जुगाड़ है वो चलता है कि नहीं। तो खैर, अभी कर रहे वीडियो हाँ जी, का नहीं अभी कर रहे हैं। नहीं अभी मैं सिर्फ इमेज का लगा के चेक करता हूँ। डीबी टेबल हमारा क्या था, पोस्ट। ये जो वीडियो है वो भी सेम तरीके से ही जाएगी, सिर्फ वेरिएबल के नाम चेंज होंगे, तो उसको भी हम करते हैं। जी लेकिन पहले मैं वीडियो इसको, की जगह इमेज हाँ जी, तो इसको मैं अभी रिटर्न बैक करवा देता हूँ। अब हम इसको पंगा लेकर देखते हैं कि क्या बनता है, कोई एरर वगैरह आता है। आएगा तो जरूर एरर, बट लेट सी। इधर हम इसको एक बार रिलोड मारते हैं। फर्स्ट पोस्ट फ्रॉम बैकएंड, और साथ में हम इमेज जो है लगाते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं। और द पोस्ट मेथड इज नॉट सपोर्टेड बिकॉज हम चलते हैं वेब की फाइल पे, और यहाँ पे मैंने गेट लिखा हुआ है, इसको पोस्ट लिखना। वापस आते हैं, दोबारा इसको रिलोड करके दोबारा लिखने की कोशिश करते हैं और इसको सबमिट करते हैं। अच्छा जी, स्टोर ऑन नल, क्योंकि हमने ये एरर आपको भी आ सकता है क्योंकि हमने यहाँ पे एंक टाइप नहीं उसको दी, ये वाली जो एंक जी टाइप होती है कोई, तो ये एंक टाइप कौन सी देनी होती है, प्रोडक्ट एड प्रोडक्ट एंक टाइप मल्टी पार्ट, ये वापस चलते हैं, दोबारा इसको रिलोड करते हैं। बस बैकएंड में सेलेक्ट करते हैं, अपलोड करते हैं, और वो कह रहा है यूजर आईडी की डिफॉल्ट वैल्यू। अब देखा, हमने वो जो नल नल रखी थी ना, उससे बाकी तो एरर बच गया, लेकिन यूजर आईडी हमने नल नहीं रखी थी, तो यूजर आईडी मुझे भेजनी पड़ेगी कोई ना कोई। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से यूजर आईडी फिलहाल भेज देते हैं हम, कुछ भी इज इक्वल टू 1 यूजर आईडी दोबारा वापस जाते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं, अपलोड करते हैं। अच्छा जी, पोस्ट हमारी अपलोड हो गई है। अब इमेज जो है हमारी, ये पोस्ट आपको आखिर में नजर आ रही होगी। अब जी इमेज जो है हमारी नहीं हुई, अब उसको हम देखते हैं कि इमेज कहाँ गई। हम चलते हैं अपने कोड पे, और इमेजेस के फोल्डर में इमेज नहीं आई, इसका मतलब कि हमारे यहाँ पर स्टोरेज के फोल्डर के अंदर, मीडिया के अंदर वो इमेज गई है, वो क्योंकि स्टोरेज लिंक हो गया उस वजह से। तो यहाँ पर हमारे पास
जो ऑल पोस्ट हम अगर यहाँ पे डेटाबेस में देखें तो वो कुछ इस नाम से गई हैं इमेजेस। यहाँ पर अगर हम बैक स्लैश लगा दें तो क्या यहाँ पे इमेज लोड होगी? नहीं। क्या अगर हम इससे पहले स्टोरेज लिख दें तो इमेज लोड होगी? हो गई। तो हमने अब सिंपली करना ये है कि एक तो यहाँ पे बैक स्लैश चाहिए हमें, और साथ में हमने यहाँ पर स्टोरेज लिख देना है। और अब हम दोबारा जो है एक पोस्ट लगाते हैं, पोस्ट आईएमजी चेक वन, एक इमेज हम और लगाते हैं, ये वाली पोस्ट करते हैं। तो ये देखें अब इमेज आ गई है। इतने की समझ आई आपको? जी आ गई। अच्छा जी, अब हाँ, अब सबसे पहले एक छोटा सा काम हमने करना है, वो ये कि अभी ना जो लेटेस्ट पोस्ट है ना वो आखिर में चली जाती है, तो जो कि अच्छा नहीं लग रहा मुझे। तो हम एक काम करते हैं, जो होम कंट्रोलर पे हमने ये बनाया है, इसको अगर हम ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग, यही होता है। अब जो लेटेस्ट है वो सबसे ऊपर आ गई है और जो बाकी है वो नीचे चली गई है। ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में उसकी प्राइमरी की के साथ उसको बता दिया। डिसेंडिंग होता है कि जो सबसे बड़ा है वो पहले आए, ठीक है। तो यहाँ पे वही रिवाज चलेगा कि जो आईडी सबसे बड़ी है, जो सबसे मतलब न्यू है, वो पहले आएगी, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी। तो अब जैसे जैसे मैं पोस्ट करता जाऊंगा वो यहाँ पर आती जाएगी। अब इसी तरह हम वीडियो को अपलोड करने का ऑप्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पर चलते हैं अपने पोस्ट कंट्रोलर पे, हमने जहाँ पर ये फंक्शन बनाया है इसी तरह, हाँ, इफ पोस्ट तो पोस्ट वीडियो नल नहीं है तो पोस्ट वीडियो और मीडिया में हमने इसको स्टोर करना है वीडियोस में। ठीक है, और स्टोरेज मीडिया यहाँ पे हमने वीडियोस के एड्रेस के साथ इसको स्टोर करना है, और इसके फाइल का नाम होगा वीडियो फाइल, अदरवाइज वीडियो फाइल एम्प्टी होगी। और यहाँ पे अब हम पोस्ट वीडियो तो वीडियो फाइल इस तरह से, अब हम इसको करके देखते हैं। और मैंने यहाँ पे जो मीडिया का फोल्डर बनाया था मैं इसको उड़ा देता हूँ। अच्छा जी, इसको अब हम रिलोड करते हैं एक बार। अब वीडियो चेक वन, अब मैं इमेज अपलोड नहीं कर रहा, सिर्फ वीडियो अपलोड करके देख रहा हूँ। यहाँ पे अब काफी मेरे पास बड़ी बड़ी वीडियोज ना हो, क्योंकि 1-2-3 MB की वीडियो भी ये ज्यादा देर लगा जाता है अपलोड में। चलो देखते हैं कितना टाइम लगाता है। हैश नेम और नल, उसको क्या हो गया? अच्छा, हैश नेम और नल वीडियो फाइल रिक्वेस्ट पोस्ट इमेज, ये वेरिएबल हमारा पोस्ट वीडियो है। वापस जाएं, दोबारा इसको रिलोड करते हैं। वीडियो चेक वन, अपलोड वीडियो, इसको हम अपलोड करते हैं।
तो ये हमारे पास वीडियो अपलोड होके आ गई है, हमारी पोस्ट लग गई है, इसको हम प्ले करें तो ये इस तरह से आ भी जाती है। वीडियो अपलोड करना भी आ गया आपको? जी अच्छा जी, चलो आज के लेक्चर हमारा इतना ही है, काफी लंबा लेक्चर हो गया। तो अभी कल जो है ना, हम ये जो हमने सारा कुछ किया है ना, इसको हम एजेक्स के साथ करेंगे, ठीक है? और आपने खुद ट्राई करनी है इस चीज को एजेक्स के साथ करने की। पिछला जो हमारे पहले लेक्चर से जो पुराना कोड था जिसमें एजेक्स हमने लगाई हुई है पहले भी, उसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए आपने पोस्ट को एजेक्स के साथ पोस्ट करवाने की कोशिश करनी है, ठीक है? ठीक हाँ चलो फिर, ओके, कल इंशाल्लाह करते हैं कंटिन्यू। अल्लाह हाफिज़। है।